लाहौर से कराची जाने वाला पीआईए का तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। हादसे का शिकार तैयारे के जख्मी अस्पताल मुंतकिल। तैयारा एयरपोर्ट से कुछ फासले पर गिरा। पायलट ने एयर ट्रैफिक को हादसे से एक मिनट कबल मे डे कॉल दी। ट्रैफिक कंट्रोल टावर को इंजन फेल होने का बताया। 2:37 पर तैयारा तबाह हुआ। पीआईए का तैयारा फजा में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। तैयारे की फुटेज जारी। फुटेज में देखा जा सकता है गिरने से पहले तैयारे के एक इंजन में आग लगी हुई है। हादसे का शिकार तैयारा ज्यादा पुराना नहीं था, तर्जुमान पीआईए का दावा। कहा तैयारे की उम्र तकरीबन 10 से 11 बरस। तैयारे में तकनीकी खराबी बारे कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तैयारा हादसे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर खुशकिस्मती से महफूज रहे। जफर मसूद की सीएमएच हॉस्पिटल में हालत खतरे से बाहर। सीनियर सहाफी अंसार नकवी भी हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के मुसाफिरों में शामिल। अंसार नकवी चैनल 24 में बतौर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। हादसे का शिकार तैयारे के कैप्टन का नाम सज्जाद गुल। हमले में उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम अशरफ, मलिक इरफान रफीक शामिल। अस्मा और मदीहा इरम भी हमले का हिस्सा थी। पीआईए तैयारे में मॉडल जारा आबिद भी सवार थी। जारा आबिद चंद रोज कबल ताया के इंतकाल पर ताजियत के लिए लाहौर आई थी। जारा आबिद ताजियत के बाद लाहौर से कराची जा रही थी। पीआईए तैयारे को हादसा। सदर मुमलिकत वजीर आजम आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। गहरे दुख और रंज का इजहार वजीर आजम। इमरान खान ने वाकये की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। पीआईए के तैयारे को हादसा। मुसाफिरों की मालूमात की फराहमी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर खुसूसी काउंटर कायम। डिप्टी कमिश्नर ने तैयारे के मुसाफिरों से मुतालिक मालूमात ली। सीईओ पीआईए का भी तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस। पीआईए का इमरजेंसी कॉल सेंटर फौरी फाल कर दिया। एयर मार्शल अरशद मलिक ने ऑपरेशन मुलाजमीन को ड्यूटी पर तलब कर लिया। तैयारा हादसे पर गवर्नर चौधरी सरवर, वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का इजहार अफसोस। फैयाज़ुल हसन चौहान, राजा बशारत समेत सूबाई वज़रा और स्पीकर पंजाब असेंबली का भी गहरे रंज का इजहार। शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर गहरे रंज का इजहार। जहां बहक मुसाफिरों के वर्सा से इजहार ताजियत। चौधरी शुजात हुसैन, हसन मुर्तजा का भी तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। वाइस चेयरमैन एलडीए का भी तैयारा हादसे पर गहरे दुख का इजहार। एसएम इमरान का कहना है तैयारा हादसे में कीमती इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक। अल्लाह वरसा को सब्र दे। अब ये सब्सिडी दी गई उससे जो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, जब अपनी रिपोर्ट दी वो 2 माह रिपोर्ट जो है इमरान खान की टेबल पर पड़ी रही और उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। 1 किलो चीनी, नॉट अ सिंगल किलोग्राम ऑफ शुगर शरीफ मिल्स ने एक्सपोर्ट नहीं की, ना रमजान शुगर मिल ने, ना उनके किसी बाकी कंसर्न ने। नून लीग ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वजीर आला असद उमर रजाक दाऊद की गिरफ्तारी का मुतालबा। रहनुमाओं ने नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं। दायमी बुगस से मजबूर नून लीग रिपोर्ट में कीड़े निकाल रही है। फैयाज़ुल हसन चौहान का जवाब। कहा वावेला करने वाले मर्जी की रिपोर्ट चाहते हैं। करप्ट अनासिर के बुरे दिन आने वाले हैं।
ईद उल फितर की तैयारियों का खुमार, शहरी कोरोना से बचने को नहीं तैयार। शहर की मार्केट में रशी रश, आवाम ने हुकूमती SOPs नजरअंदाज कर दिए, बच्चे बूढ़े भी बाजारों में। कोरोना से डरना नहीं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके बचना है। नईम मीर ने भिडन रोड पर फेस मास्क, सैनिटाइजर तकसीम किए, कहा ताजर बरादरी अवाम में आगाही फैलाने में मसरूफ है। ईद उल फितर के बाद कारोबार बंदिश के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ट्वीट, कहा आवाम अफवाहों पर कान न धरे, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। वजीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं लोगों को फाकों से बचाने के लिए कारोबारी सरगर्मियां बहाल की। वजीर सनत मियां असलम इकबाल से ताजरों और सरमायाकारों की मुलाकात, कारोबारी सरगर्मियों की बहाली, SOPs पर अमल दरामद, सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत। कोरोना ने पंजाब में पंजे गाढ़ लिए, सूबे में मजीद सैकड़ों अफराद में वायरस की तस्दीक, मरीजों की तादाद 18,455 तक जा पहुंची, लाहौर में 7,980 मरीज। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, शहबाज शरीफ का टेस्ट अताउल्ला तारण में वायरस की तस्दीक के बाद किया गया। शहबाज शरीफ इससे कबल भी दो बार टेस्ट करा चुके हैं। वजीर सेहत की जेर सदारत महकमा सेहत का इजलास, कोरोना मरीजों के इलाज, डॉक्टर्स के ईद ड्यूटी रोस्टर्स का जायजा। यास्मीन राशिद की शहरियों से ईद के अयाम में एहतियात करने की अपील। मेरा सर फख्र से बुलंद है कि मैं ऐसी फोर्स को कमांड कर रहा हूँ जो कोरोना की मौजूदगी के बावजूद अपने फर्ज से हटी नहीं। हमारे लिए हर वक्त जो हालात हैं वो कभी भी आसान नहीं होते, हम हर वक्त मुश्किल के सामने खड़े होते हैं, कोरोना में भी हमने ये साबित किया है। कोरोना से निमटने के लिए पुलिस एहलकार फ्रंट लाइन पर, फोर्स ने फराइज की अदायगी से सर फखर से बुलंद कर दिया। IG का खराज तहसीन, कहा एहलकार जान की परवाह किए बगैर फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। जुम्मतुल विदा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया, शहर भर में नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमात, SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। कोरोना से बचाओ, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में मज़ारात खोल दिए, दाता दरबार मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी, हुकाम की ज़ायरीन को समाजी फासले इख्तियार करने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। परदेसी घरों में ईद मनाएंगे, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर, बस अड्डों पर SOPs के खिलाफ वर्जी, बसेज और वैन्स में भी समाजी फासले नजरअंदाज कर दिए। अपनों के साथ ईद मनाने की चाह, रेलवे स्टेशन पर भी शहरियों का रश, इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह मुतासर, कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा। ईद उल फितर पर महंगाई का तूफान, सब्जियां फल सब महंगा, मुर्गी का गोश्त 284 रुपए किलो तक जा पहुंचा, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना, हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। जिले
में इंतजामिया गिरा फरोशों और मुनाफा खोरों के खिलाफ मुतहरिक प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। गिरा फरोशी पर 1,37,000 के जुर्माने जबकि 24 मुकदमा दर्ज। जापान से पाकिस्तान अहले खाना से मिलने आए, जापान में नौकरियां कारोबार हैं, हुकूमत जापान जाने का इंतजाम करे, ओवरसीज पाकिस्तानी का हुकूमत से चार्टर फ्लाइट चलाने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का ऑनलाइन इजलास, एमटीआई एक्ट के निफास मुस्तरद, कहा अपनी नाकामियों का मलबा डॉक्टर्स पर गिराना हुकूमत का वतीरा बन गया, बगैर मुशावरत कानून पास करना ज्यादती है। लॉकडाउन के बायस गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर मुतासिर, स्मार्ट कार्ड न मिलने से शहरी परेशान, अवाम की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज ने अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ करवा दिया। शहबाज कत्ला कत्ल केस, पुलिस ने एसएसपी मुफक्कर अदील के खिलाफ चलान में तमाम एतराजात दूर कर दिए, मुफक्कर अदील का चलान सेशन कोर्ट में दोबारा जमा करा दिया गया। जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, साबिक एसएचओ सगीर मेतला पर थाना हरबंसपुरम में मुकदमा दर्ज, सगीर मेतला ने 25 साथियों समेत प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की। देवर ने 7 साथियों समेत अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया, तशद्दुद भी किया, बदामी बाग से मिलने वाली शेखपुरा की रिहायशी खातून इंसाफ के लिए दर बदर, वजीर आला से नोटिस का मुतालबा। ईद उल फितर पर ट्रैफिक की मौसर रवानी के लिए प्लान तैयार, 2,000 से ज्यादा वार्डन्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे, डिविजनल ऑफिसर्स की जेर निगरानी, 11 डीएसपी, 120 इंस्पेक्टर्स तैनात होंगे। वजीर आला ने किताब द मॉन्यूमेंट्स ऑफ लाहौर की रोनुमाई कर दी, वजीर यूथ अफेयर्स तैमूर भट्टी ने उस्मान मुख्तार को किताब पेश की, वजीर आला ने किताब मुरतब करने की तारीफ की। अस्पतालों में एमएस तैनात, डॉक्टर फरुख सुल्तान पीआईसी, डॉक्टर सबाहत एमएस लेडी विलिंगटन तैनात, डॉक्टर साहिबजादा जुल्फिकार एमएस डीएचक्यू गुजरावाला लगा दिए गए। एजाज चौधरी की जानिब से एनए 100